जय हिंद साथियों, स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डेट साथियों, सब्सिडी भर्ती 2018 CRPF का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। ये साथियों गुड न्यूज है सभी स्टूडेंट के लिए जिनका साथियों आर्मी और एडिशनल कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो साथियों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपकी मेरिट लिस्ट कब तक जारी की जाएगी, मेरिट लिस्ट की तिथि कब तक जारी की जाएगी। तो साथियों वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना SSC GD भर्ती की पल पल अपडेट पाने के लिए। साथियों आप लोग पता है कि आपके एडिशनल और आपके रीमेडिकल कैंडिडेट के 10 नवंबर को रीमेडिकल समाप्त हो रहा है, ठीक है। 10 नवंबर के रीमेडिकल साथियों जैसे समाप्त होंगे उसके बाद 20 नवंबर तक साथियों आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। ये साथियों ऑफिशियल डाटा है, CRPF की वेबसाइट पर दिया गया है कि 20 नवंबर तक आपका मतलब कि मेरिट लिस्ट साथियों जारी कर दी जाएगी, उसके बाद अगला प्रोसेस बताया जाएगा। तो चलिए साथियों देखते हैं कि आपका एडिशनल कैंडिडेट का एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है, आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये साथियों CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट, इसी में साथियों आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस साथियों बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपल साथियों कुछ नहीं करना, आपको साथियों ये नीचे लिंक दिया गया है इस वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर साथियों इसको कॉपी कर यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन, तो आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका रोल नंबर, उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद इस कैप्चा को फिल कर देना, तो एडिशनल कैंडिडेट जिनका भी है उनका एडमिट कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। साथियों जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, वो जो आपका पासवर्ड होगा साथियों, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस करके यहाँ पे साथियों साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना SSC भर्ती की पल पल अपडेट पाने के लिए।